नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में से एक दिवंगत अभिनेता इरफान खान भले ही इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इरफान खान ने कई ऐसे अभिनय किए हैं जो दर्शकों के दिलों में बस चुके हैं। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था और 29 अप्रैल 2020 को कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। इरफान खान ने अपने करियर में लगभग 70 फिल्में की, जिनमें हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो साल 2020 में ही रिलीज हुई थी। इरफान खान ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इरफान खान कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपना था एक क्रिकेटर बनना। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे ही किस्से बताने वाले हैं। इरफान खान एक आम परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार की मदद के लिए वे एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। एसी ठीक करने की नौकरी के दौरान ही उन्हें राजेश खन्ना के घर एसी रिपेयर करने जाने का मौका भी मिला था। वैसे तो उनका सपना था एक क्रिकेटर बनना, लेकिन ये पूरा ना हो पाया तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और बस उनका असली हुनर लोगों के सामने आ गया। इरफान खान ने थिएटर ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक्टर ने कभी हार नहीं मानी और फिर उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्हें पहली बार फिल्म सलाम बॉम्बे में काम करने का मौका मिला था। जिस वक्त उन्हें ये रोल ऑफर हुआ था, उस वक्त वे एक्टिंग स्कूल में थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे। इस किरदार के लिए हाँ करने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और हामी भर दी। हालांकि उनका रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए छोटा सा रोल ही काफ़ी था। लेकिन इस सब के बीच क्या आप जानते हैं कि इरफान खान का पूरा नाम क्या था? दरअसल इरफान खान को लोग इसी नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, जिसे छोटा करके उन्होंने करियर के लिए अपना नाम इरफान खान कर दिया था। NSD से ट्रेनिंग लेने के बाद इरफान ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया और वहां जाकर चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियल में काम किया। वे 23 फरवरी 1995 को लेखिका सुतपा सिकदर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। सुतपा भी NSD में उनके साथ पढ़ा करती थी। इरफान के दो बेटे हैं, जिनके नाम हैं बाबिल और आयान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान खान ने अपने 28 साल के फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड के साथ साथ वे हॉलीवुड में भी सक्रिय रहे। उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड और स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया। इरफान ने पहली बार 2005 में आई फिल्म रोग में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद फिल्म हासिल के लिए इरफान खान को उस साल का बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद इरफान ने लंच बॉक्स, गुंडे, हैदर, पीकू और जुरासिक वर्ल्ड में भी काम किया। इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साथ ही उन्हें साल 2011 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएँ। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।